सारी दवाओं के बाद एक साल में अगर हमने इस रीवा नगर निगम में 1,46 करोड़ का निर्माण कार्य की एक साल में व्यवस्था बनाता पैसा उपयोग किया जाता है, कभी लाडली बहना के नाम से, कभी जन आशीर्वाद के नाम से, कभी विकास पर्व के नाम से, सारा खर्चा वो रीवा के नगर निगम के ऊपर आता है, वो भी टैक्स पेयर हमारी जो जनता है उसका पैसा। और रीवा विधायक ने रीवा को विकास के नाम पे ठगा है, छलावा किया है। मेरा आज जो ये पत्रकार वार्ता करने का आशय सिर्फ ये था कि मैं रीवा के उस जनता को और आपके को जिन्होंने मेरा हर बार सहयोग किया, आपने हमें बताया कि कहाँ पर क्या गड़बड़ी है, उसी अनुसार हमने काम किया। तो मैं रीवा की जनता को अपना एक साल का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत कर रहा हूँ, जहाँ पर जैसे भी उन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सोशल मीडिया के हमारे सारे पत्रकार साथियों, आप सभी को नमस्कार। आज की जो ये पत्रकार वार्ता है इसमें हमारे साथ हमारे शहर कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष लखनलाल खंडेलवाल जी, कांग्रेस पार्टी के जिला के वरिष्ठ उपाध्यक्ष आदरणीय प्रदीप सुगौरा जी, कांग्रेस पार्टी के जिला के संगठन मंत्री आदरणीय रवि तिवारी जी, शहर कांग्रेस कमेटी के संगठन मंत्री हमारे सज्जन पटेल जी, हमारी MIC के सीनियर सदस्य, हमारे MIC के साथी, हमारे पार्षद साथी, पार्षद प्रत्याशी, सभी लोग आज इस पत्रकार वार्ता में उपस्थित हैं। बाबा महामृत्युंजय भगवान के आशीर्वाद से और आप सभी लोगों के सहयोग से 23 साल बाद 30 जुलाई 2022 को ऐतिहासिक पद्मर पार में हर गौरी प्रतिभा के सामने जब हमने महापौर की शपथ ली, हमारे पार्षद साथियों ने शपथ ली, उस समय हम लोगों ने यह संकल्प लिया कि रीवा की जो जन समस्या है उसकी अपेक्षाओं के अनुरूप नगर में मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश करेंगे, आम नागरिकों तक निगम की पहुंच बनाने, विकास पुरुष जैसे नहीं जैसे रीवा में विकास पुरुष ने किया, आम नागरिकों के कार्य भूमि पूजन लोकार्पण कराने, विगत 25 वर्षों से नगर के जिन क्षेत्रों के लोगों ने विकास की आस छोड़ दी थी उनके माध्यम से कराने का हम लोगों ने संकल्प लिया, उनको उन क्षेत्र के लोगों को प्राथमिकता देने का संकल्प लिया कि जिस क्षेत्र के लोग हैं हमारे सम्मानित पार्षद, हमारे MIC के मेंबर, सब लोगों ने मिलकर निर्माण कार्य को गति दिया। और जब हम गए तो मात्र एक नारियल से, अब 25 रुपए के एक नारियल और एक अगरबत्ती से उस क्षेत्र के जो बुजुर्ग थे वो किसी भी जात विशेष के रहे हों उनको लेकर हमने भूमि पूजन किया, हमने नगर निगम के विकास कार्य का जब प्रारंभ किया तो कर्मचारियों को हितों की रक्षा, उनके सतत्वों में वृद्धि, समाज के बीच रह रहे निर्धन वर्ग, दिव्यांगों के हित, कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन तत्परता के साथ चालू करा दिया। हमने आप सभी के सम्मिलित प्रयास, सुझाव, सहयोग एवं मार्गदर्शन रूपी संबल से एक वर्ष का कार्यकाल पूर्ण किया। रीवा की जनता का ऐसा आशीर्वाद था कि उन्होंने जिसे महापौर चुना इस आशा के साथ कि ऐसा एक महापौर होगा जो जनता के अनुसार कार्य करेगा, मैं उनके अनुसार कार्य करने में अपने आप को सफलता की सीढ़ियों में चढ़ने में कामयाब होते हुए पाया कि मैं जैसा वो चाह रहे थे
उस तरह मैं कार्य कर रहा हूँ, इसके लिए मैं हृदय से सभी उस रीवा नगर वासियों के लोगों का आभारी हूँ जिन लोगों ने 23 वर्ष बाद कांग्रेस का महापौर और उनकी MIC यहाँ पर बनाई। 7 जनवरी 1995 से गठित पहली परिषद से लेकर 1 जनवरी 2020 को समाप्त हुई 5वीं परिषद के कार्यकाल में जन सम्मान की जिन अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं हुई थी उन्हें इस एक वर्ष की अवधि में प्रारंभ कराने का प्रयास किया गया। हमने 3 अगस्त 2022 को पहली समीक्षा बैठक विभागीय अधिकारियों के साथ जो कि उसमें विकास सुविधाओं को सहजता से जनमानस को उपलब्ध कराने, निगम की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने आदि की कार्य योजना पर अमल करने का निर्देश तत्काल दिया। हमने सर्वप्रथम जो सबसे बड़ी समस्या नगर निगम में थी जब हम लोग पार्षद थे तब भी जन मित्र का पंजीयन, विवाह, राशन कार्ड, समग्र ID आदि के निदान समय पर नहीं होता था, उसकी सुविधा के लिए एकल खिड़की की व्यवस्था कराई और नगर निगम की सबसे वयोवृद्ध कर्मचारी शांति साकेत से उसका लोकार्पण कराया। जन समस्याओं के त्वरित निराकरण हेतु मेयर हेल्पलाइन का शुभारंभ करने का प्रयास हमने किया, निबदाई किंतु परिषद के हमारे साथियों को लगा कि इससे महापौर सीधे जनता से रूबरू हो सकते हैं और राजनीतिक रूप से पॉपुलर हो जावेंगे तथा उनके आकांक्षाओं द्वारा अब तक की गई विकास की झूठी गाथाओं की पुल खुलेगी। इसलिए उन्हें परिषद से मेयरिंग काउंसिल के द्वारा हेल्पलाइन को निरस्त करा दिया, जबकि यही हेल्पलाइन भोपाल में भी चल रही है मेयर हेल्पलाइन और जबलपुर में भी चल रही, भोपाल में उनके महापौर हैं, इसका भी हम लोगों ने उदाहरण दिया था। साथियों, मैं आप लोगों को कि 1 अगस्त 2022 से 1 अक्टूबर 2023 तक में हम लोगों ने रीवा के 45 वार्डों में जोन बार, ये हमारा एक एक चीज बना हुआ है, ये जोन क्रमांक 1, जोन क्रमांक 2, जोन क्रमांक 3 और जोन क्रमांक 4, ये सारा हम लोगों ने जोन बार ये कार्य किया और निविदाएं कराई। जोन क्रमांक 1 में 12,19,32,000 रुपए की, जोन क्रमांक 2 में 21,56,98,000 की, जोन क्रमांक 3 में 37,30,68,000 की, जोन क्रमांक 4 में 23,23,11,000 रुपए की। कुल हमने 94,29,69,000 की निविदाएं कराई। ये आज तक के नगर निगम का इतिहास में लिखा जाएगा कि पहला महापौर ऐसे हैं हम और हमारी MIC है जिसने जनता के हित में 100 करोड़ से ऊपर का निर्माण कार्य का टेंडर कराया। आप नगर निगम की वेबसाइट में जा सकते हैं, ये वार्ड बाई वार्ड इसमें कौन से कार्य, कौन संविदा कार्य, कहाँ पर उसका कौन सा अधूरा चल रहा है, कौन किसका भूमि पूजन हो चुका है, किसका वर्क ऑर्डर नहीं जारी हुआ है, इस तरह के सारे आंकड़े पारदर्शिता के साथ हमने इसमें रखे हैं। कभी भी कोई भी व्यक्ति किसी समय नगर निगम के वेबसाइट में भी चेक कर सकते हैं और हमारे उसमें भी। मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि हम लोगों ने 20 वर्ग के लिए 11,87,24,000 रुपए का कार्य कराया। कायाकल्प योजना के तहत हमें 10 करोड़ रुपए की अनुमति मिली पर 10 करोड़ रुपए शासन से नहीं आए और 8.5 करोड़ आए, पर कायाकल्प के तहत हम लोगों ने वो भी कार्य चालू करा दिया। बिजली शाखा में
5,28,25,000 रुपए की लाइट का कार्य कराया। रीवा शहर में जो शिल्पी प्लाजा में डेकोरेटिव लाइट लगी है, उसके अंदर जो डेकोरेटिव लाइट लगी है, 18 हाई मास्क लाइट हमने शहर में लगवाई, वो विसर्जन घाट हो, आपके चौराहे हो, कब्रिस्तान हो, दरगाह हो, मंदिर हो, चिरौला का पार्क हो, चिरौला का मंदिर हो, सब जगह हम लोगों ने इस तरह करके 18 हाई मास्क लाइट लगवाई। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 10,82,27,000 रुपए हमने खर्चा किया रीवा को स्वच्छ, सुंदर और स्वस्थ बनाने के लिए। वाहन शाखा में 3,35,000 रुपए खर्चा किया। जिसमें एक छोटी फायर गाड़ी 24 की, दो पानी के टैंकर जिसमें पंप ऑपरेटिव है, ये छोटी फायर गाड़ी भी हमने को एक प्रेरणा मिली। राजेंद्र ताम्रकार जी के यहाँ आग लगी, बड़ी फायर ब्रिगेड नहीं घुस पा रही थी, हमारे पार्षद पूर्व पार्षद साथी डैडू तिवारी ने फोन किया रात को 1 बजे कि उनके यहाँ आग लगी, बड़ी फायर ब्रिगेड नहीं घुस पा रही। हम लोगों ने किसी तरह आग में काबू पाया टैंकरों से, तत्काल हमने छोटी फायर ब्रिगेड खरीदी और उसके सपोर्टिंग के लिए हमने 2 पंप ऑपरेटिंग 39,00,000 रुपए के टेंडर खरीदे। महापुरुषों की प्रतिमा हर बुधवार को धुले, उसके लिए हमने जेटर वाहन 29,00,000 रुपए का खरीदा, एक मड पंप खरीदा 38,00,000 रुपए का, 8.5 लाख रुपए का एक उसको चलाने के ट्रैक्टर खरीदा और स्काई लिफ्ट गाड़ी खरीदी। और हम लोगों ने ये देखा कि रीवा के जो 2 समाज सेवी संस्थाएं जब किसी के यहाँ मृत्यु हो जाती है तो सब के लिए वाहन उपलब्ध कराते हैं, उसको देखते हुए कि बड़ी कठिनाई होती है, 200 वाहन भी हमने नगर निगम में खरीद लिए। वो 100 वाहन आ गए हैं, हमने MIC से उसे निःशुल्क शहर के अंदर चले उसका पास कर दिया है, क्योंकि फाइनेंशियली मामला होता है वो परिषद में जाएगा, जैसे हमारी परिषद होगी उसका निर्धारण हो जाएगा और वो 100 वाहन रीवा की जनता के लिए सहज सुलभ उपलब्ध हो जाएंगे। हमने रीवा में 38,00,000 रुपए का एक निविदा कराई, रीवा में कर्मकांड करने के लिए जगह नहीं थी, इसकी बहुत आवश्यकता थी। पहले कर्मकांड होता था पुराने RTO ऑफिस में, वहाँ पार्क बन गया, फिर कर्मकांड होता था बड़ी पुल के बगल में, वो रिवर फ्रंट में चला गया, कर्मकांड होता था पचमटा में, वो रिवर फ्रंट में चला गया, सिर्फ एक कोतवाली घाट छोटा सा बचा था। तो हम ये आवश्यकता थी हमारे 39 नंबर वार्ड के 41 के 42 के पार्षद साथियों ने बोला कि ये जो एरिया है 27, 28, 39, 40, 42, 41, यहाँ कर्मकांड करने की कोई जगह नहीं है, लोग सड़क में करते हैं, जहाँ पर पुराना बिछिया थाना था। हमने 38,00,000 रुपए में रानी तालाब के पास एक पंप हाउस है, वहाँ पर कर्मकांड करवाने के लिए एक स्थल का चयन किया। इसी तरह कर्मकांड के लिए 4 स्थान हम लोगों ने चिन्हित किए हैं, वहाँ बनवाएंगे, क्योंकि कर्मकांड एक ऐसी चीज़ है ये हिंदू परंपरा में कि जो किसी विवाह घर में नहीं हो सकती, उसके लिए नदी का किनारा, खुला मैदान या घाट ही चाहिए, तो उसकी आवश्यकता बहुत है, वो करवाया। महापुरुषों की प्रतिमा स्थापना में प्रस्ताव परिषद से पारित होते रहे, क्योंकि कभी भी पारित हुए पड़े रहते थे। बिंद की 2 विभूतियों की प्रतिमा का स्थापना की ओर ध्यान नहीं दिया गया कभी। मैंने महापौर बनने के तत्काल बाद स्वर्गीय महाराजा मार्तन सिंह जी देव की प्रतिमा चौराहा बाईपास के पास तथा श्री युग श्रीनिवास तिवारी की प्रतिमा ऐसा चौराहे के पास स्थापित किए जाने हो 53,30,000 की निविदा आमंत्रित एवं स्वीकृत कर कार्यादेश प्रदान कर दिया है। साथ ही बोदाबाग नीम चौराहे में के पास महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा भी लगाने का प्रस्ताव पास कर दिया है। छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा आपके रतहरा के कोने में लगेगी, उसका मैंने भूमि पूजन कर दिया है। और एक जिनके नाम से पद्मर पार्क था, लाल पद्मर सिंह की प्रतिमा के लिए MIC से प्रस्ताव पास हो गया है, उनकी अब की प्रतिमा वहीं पद्मर पार्क में लगाई जाएगी। जो पद्मर पार्क
2000 में जीर्ण शीर्ण था, बनवाया गया था, उसे कभी 23 साल तक किसी ने नहीं बनवाया, उसका जीर्णोद्धार का कार्य चालू हो गया है। महाराजा वेंकट रमन सिंह के स्टेचू को रिनोवेट करना है, उसका टेंडर हो गया, वर्क ऑर्डर हो गया, दशहरे के बाद उसमें काम लग जाएगा। ऋतुराज पार्क जो कि रीवा में एकमात्र खेल का ग्राउंड है, उसमें बास्केटबॉल के साथ साथ महिलाओं की कबड्डी का भी प्रावधान कराकर और उसका पूरा रिनोवेशन का कार्य हम लोगों ने करा दिया है। 98,000 से बनाई गई संजीवनी क्लिनिक बनाकर हमने हैंडओवर कर दिया, हमारे पूरे नगर निगम ने उसको बनाया, उसको हैंडओवर किया, कुछ का भूमि पूजन हमने भी किया। पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, किसी भी संजीवनी क्लिनिक में कोई भी डॉक्टर आज तक भारतीय जनता पार्टी और रीवा के विधायक नहीं पहुंचा पाए। सारी संजीवनी क्लिनिकों में चोरियां होने लगी और ये जवाबदारी अब हमारी इसलिए नहीं है क्योंकि हमने इसे स्वास्थ्य विभाग के हैंडओवर कर दिया। 14 रंग नए सुलभ शौचालय के लिए 3,55,00,000 की निविदा करके वर्क ऑर्डर कर दिया है, जल्द ही जहां जहां जरूरतें होंगी वहां सुलभ कॉम्प्लेक्स बन जाएंगे। हमने कुल 1,46,70,37,720 रुपए का निर्माण कार्य का टेंडर किया, जिसमें 50% कार्य जमीन में चल रहे हैं, 50% कार्य में कार्य चालू है, 50% में कुछ के कार्य आदेश जारी हुए हैं, कुछ के कार्य आदेश जारी होने वाले हैं। और इस पूरे पैसे में शासन का कोई योगदान नहीं है, मात्र हमको 8.5 करोड़ रुपया कायाकल्प के नाम पे मिला है अभी तक। ये सारा पैसा रीवा के उस जनता का है जिसने संपत्ति कर, समेकित कर, प्रकाश कर और शिक्षा उपकर के नाम से दिया है। इसीलिए मैं बाढ़ की जनता से ही भूमि पूजन करवाता हूँ, नारियल फोड़वाता हूँ कि आपका पैसा है और आपके पैसे से आपका विकास होना चाहिए। अमृत 2 के तहत वाटर बॉडी यूनियन का कार जो पैसा इनकम टैक्स, जीएसटी, सर्विस चार्ज, सेवा शुल्क आज के रूप में वसूली की गई राशि से केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के योगदान से तथा नगर निगम के अंशदान से अमृत 2 योजना के तहत वाटर बॉडी उन्नयन कार, तालाबों का उन्नयन एवं सौंदीकरण हेतु रुपये 2,38,96,000 के कार्य की निविदाएँ आमंत्रित करा दी गई हैं। अमृत वन के तहत सिवरेज के कार्य का कार्य द्वारा 1,22,75,00,000 की लागत से कराया जा रहा है, जो के स्पान कंपनी ने रीवा में पूरी सड़कों की दुर्गति कर दी थी, सड़कें खराब हो गई थी। उन सड़कों को हमने जब चुनाव का समय था तो मैं जब बाड़ों में जाता था तो लोग हमसे पूछते थे कि भैया ये सड़कें कब रिपेयर होंगी। हमने उनसे वादा किया था कि आपकी एक एक सड़क को मैं ठीक करा दूंगा, आप चले जाइए, वार्ड नंबर 10, वार्ड नंबर 11, वार्ड नंबर 13, वार्ड नंबर 14 सारी सड़कों में डामरीकरण का टेंडर हमने करवा कर काम चालू कराया। सारी सड़कों में डामरीकरण का कार्य चालू है और सारी सड़कों का काम हमने जो वादा किया था, मेरे को इसी में बड़ी खुशी हो रही कि मैं जो रीवा की उस महान जनता से वादा किया जिसने मेरे को अपना महापौर बनाया कि कहीं ना कहीं मैं उनके उस वादे पे खरा उतरने की कोशिश कर रहा हूं। एक करोड़ 75 लाख की लागत से वो चालू है। अमृत 2 जल प्रदाय योजना 133 करोड़ की मैं लगातार जब से महापौर बना उसकी निविदा करवाता आ रहा हूं। 199 करोड़ की हमने योजना बनाई स्टेट में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसको 99 करोड़ कर दिया। उस पर हमने ऊपर जाकर लिखा पढ़ी करके किसी तरह उसको हमने कहा कि आप 160-170 करोड़ करिए, इससे कम में हमारे यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं हो पाएगी। बहुत दबाव के बाद 133 करोड़ हमें मंजूर किए गए, जिसमें हमारा भी 10% का अंशदान उसमें शामिल है। ये निविदा कोई भी संविदाकार डालता नहीं था क्योंकि बड़ा राजनीतिक दबाव था और उसके कारण अब जाकर
ये निविदा पड़ी है, 22 तारीख को निविदा खोली गई, उसका टेक्निकल वेरिफिकेशन कल भोपाल में स्टेट लेवल टेक्निकल कमेटी कर रही थी, और जैसे ही किसी संविदाकार को मिलेगी तो उसकी फाइनेंशियली बिड खोल दी जाएगी। वो कार्य जैसे ही चालू होगा, रीवा के 45 वार्डों को लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि 3 से 4 घंटे बिना टुल्लू के हर घर में शुद्ध और साफ पेयजल मिलेगा। कार्यक्रम चालू है, नगर निगम की जनता का पैसा उपयोग किया जाता है, कभी लाडली बहना के नाम से, कभी जन आशीर्वाद के नाम से, कभी विकास पर्व के नाम से, सारा खर्चा वो रीवा के नगर निगम को पर आता है, वो भी टैक्स पेयर हमारी जो जनता है उसका पैसा है। मैंने इसको भी रोकने की बड़ी कोशिश की, जब विकास पर्व चल रहा था, रीवा के कमिश्नर नगर निगम के उनको डायरेक्ट मुख्यमंत्री ने बोला कि रीवा महापौर की को तरजीह देना बंद करो और जैसा हम लोग कहें वैसा करो। भारी विरोध, भारी दबाव के बाद एक साल में अगर हमने इस रीवा नगर निगम में 1,46 करोड़ का निर्माण कार्य की एक साल में व्यवस्था बनाई, टेंडर कराया, तो ये रीवा की जनता का आशीर्वाद का प्रतीक। विकास पर्व के नाम पे झूठी बातें करना, अगर विकास उन्होंने किया था, मैं ये बोलता हूं, अगर उन्होंने विकास किया तो गली गली में होर्डिंग लगाने की आवश्यकता क्या? अगर उन्होंने विकास किया तो पर्व निकाल के जुलूस निकालने की आवश्यकता क्या? विकास अगर आपने किया है तो जनता आपको बिल्कुल नहीं नकारेगी, आपको सहज स्वीकार करेगी। रीवा में विकास के नाम पे पैसा खर्चा जरूर हुआ, पर व्यवस्थित विकास कभी भी नहीं किया गया। सरकारी जमीन बेचने के सिवाय यहां पर कोई काम नहीं हुआ, और रीवा विधायक ने रीवा को विकास के नाम पे ठगा है, छलावा किया है। मेरा आज जो ये पत्रकार वार्ता करने का आशय सिर्फ ये था कि मैं रीवा के उस जनता को और आपके को जिन्होंने मेरा हर बार सहयोग किया, आपने हमें बताया कि कहां पर क्या गड़बड़ी है, उसके अनुसार हमने काम किया, तो मैं रीवा की जनता को अपना एक साल का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत कर रहा हूं। जहां पर जैसे भी उन दिक्कतें होंगी, अभी हमारा कार्यकाल 3-4 साल का पूरा पड़ा हुआ है, हम विकास में रहेंगे। रही लोकार्पण भूमि पूजन करने की बात, तो हमने MIC की पहली बैठक में कह दिया था कि पार्षद और महापौर 25 रुपए के नारियल में भूमि पूजन लोकार्पण करेंगे, कोई शिला पट्टिका नहीं लगेगी, कोई टेंट पंडाल नहीं लगेगा, क्योंकि सारा पैसा संविदाकार के खाते से जाता है और संविदाकार को फिर भ्रष्टाचार करना पड़ता है। तो इसलिए जो जनता का पैसा है उसी से हमने ये सब काम कराया। आप लोगों ने इतना समय दिया, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।